वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर सरकारी जमीन का सीमांकन किया। इस दौरान जमीन पर बनाई गई अवैध झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीओ संतोष कुमार ने कहा कि अब इस भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि का राजस्व विभाग की टीम व वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है। इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से बसे गुर्जर समाज के लोगों ने अपने जानवरों को पालने के लिए झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई थी, जिसे वन विभाग ने नष्ट कर दिया। इसी दौरान वहां पर रहने वाले गुर्जर समाज के स्थानीय बुजुर्ग का कहना है कि इस भूमि पर रहते हुए उसे कई दशक हो गए हैं। 2013 में हमें शासनादेश मिला था और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन अब खाली कराया जा रहा है। 1998 से हम लोग चारा लगाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद में लोगों ने बीच में रोका, फिर हमारे लिए एक शासन आदेश किया 2013 में हरीश रावत के टाइम में। शासन आदेश के बाद लोगों ने फिर लगाना शुरू कर दी जमीन में, लगाते लगाते अब इन्होंने बगैर नोटिस के आगे आज हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दिया। हमें को बताया भी नहीं, को पूछा भी नहीं, हमें तो मौके पे पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, हमारे जो खेती वाली चारे वाली जगह थी उसको अपने उसमें ले लिया। हम तो बांध के अपने पशुओं को पालते हैं, चारा लगाते हैं, चारा डाल के अपने जानवरों का पालन पोषण करते हैं, यही हमारी रोजी रोटी है, यही हमारी रोजगार है। इस मामले पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि वन विभाग ने अपनी जमीन का सीमांकन किया है, जमीन का सही सीमांकन हो इसी आधार पर निरीक्षण किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब भी आए और सारे रेंजर्स भी आए हुए यहाँ पर, इन्होंने अपने एरिया को डिमार्केट करें और हम यहाँ पर लॉ ऑर्डर इशू के लिए ही खड़े हैं। तो इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इनका प्रपोजल है बाद में जाके भी यहाँ पर एक इकोलॉजिकल पार्क डेवलप करेंगे, जिसमें म्यूजियम होगा, गुज्जर ट्रेल होगी और वगैरह और अन्य चीज़ें भी होंगी इसमें, तो उसी के लिए यहाँ सिर्फ हम कोई एविक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ एक डिमार्केशन कर रहे हैं अपनी लैंड, क्योंकि उनको पता चले कि हमारी लैंड कितनी है। टोटल लेकिन यहाँ पर लगभग मिला के 42 हेक्टर की करीब है। उसी सिलसिले में आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया था, तो हम लॉन ऑर्डर इशू नहीं आता। वन विभाग के एसडीओ संतोष पंत ने कहा कि ये क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए पिछले कई समय से चिन्हित किया गया है। अपनी सीमा का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम का सहयोग लिया गया है और दोनों ही विभागों ने सर्वे कर हमने अपनी भूमि का चिन्हीकरण किया है, अब इस भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साइफन चौकी है, उसके निकट कुछ वन भूमि जो खाली पड़ी हुई थी काफी समय से, उसे आज हम उसका सीमांकन कर उसे सुरक्षित करने हेतु कर रहे हैं। उसमें आगामी वृक्षारोपण सत्र में वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है और इस क्षेत्र में क्योंकि इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए भी ये क्षेत्र चयनित किया गया है, तो उसमें उस संबंध में भी कार्य कराए जा रहे हैं, जिस हेतु इस रिक्त भूमि को आज सीमांकित किया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।